लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एलसी ऑसिलेटर्स, और एलसी ऑसिलेटर में हमने एक सर्किट देखा था। ये सर्किट सभी को विजिबल है, दिख रहा है सभी को? यस यस मैम। इस सर्किट से हमने दो कंडीशंस निकाली थी। वो जो दो कंडीशन है, यहाँ पे जो एलसी ऑसिलेटर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ में तो सेम हमारा ओपैम लगा हुआ है, जैसा कि अब हमेशा हमने यूज किया है इन्वर्टिंग ओपैम। एंड जो फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ हम आरसी का ना लेकर के हमने सिर्फ एल और सी दो एलिमेंट्स का लिया है, और इसीलिए ये क्या है, एलसी ऑसिलेटर। यहाँ पे ये जो एक आपको नेटवर्क दिख रहा है Z1, Z2 एंड Z3 का कॉम्बिनेशन, ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है। मतलब जो हम लोग आगे दो तीन ऑसिलेटर पढ़ने वाले हैं, विच इज इनसाइड दिस एलसी ऑसिलेटर, वो होंगे आपके एल या सी के कॉम्बिनेशन। और ये आपको ये जो नोटेशन दिख रहा है कि यहाँ पे Z1 लगा हुआ है, यहाँ Z2 लगा हुआ है, एंड आउटपुट हम कहाँ से लेंगे, आउटपुट हम इस Z2 के क्रॉस लेंगे, ठीक है। बट जो लोड है, मतलब एक होता है लोड रजिस्टर, जो लोड रजिस्टर या लोड इम्पीडेंस कह लें इसको, रजिस्टर नहीं है सिर्फ, ये जो लोड इम्पीडेंस हमें दिख रहा है, ये लोड इम्पीडेंस जो है ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया, क्योंकि लास्ट क्लास हमारी काफी दिन पहले हुई थी, सो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा याद नहीं हो, भूल गया हो। तो यहाँ जो लोड का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, ये तीन कॉम्बिनेशन Z1, Z2 एंड Z3, तो आप लोग बताइए यहाँ पे Z1 एंड Z3 एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। एंड Z2 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो जो ZL हमने कैलकुलेट किया था, वो कैलकुलेट किया था हमने इस तरीके से कि Z1 प्लस Z3 इन पैरेलल विद Z2, ठीक है। और ये नोड की वजह से हमने करंट को डिवाइड नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ओपैम सर्किट, जहाँ पे ओपैम हमारा जब भी ऑसिलेटर में यूज हो रहा है, दिस इज आइडियल ऑलवेज, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक के केस में आपको पता है गेन इज ऑलवेज इंफिनिटी। इसलिए यहाँ आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव टर्मिनल में है, बट जो कॉन्सेप्ट है ऑसिलेटर के वर्क करने का, वो ये होता है कि वो पॉजिटिव फीडबैक में वर्क करता है। बट क्योंकि एम्पलीफायर का भी काम लेना है, तो एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्शन दिया हुआ है। इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन इसका दूर होगा। लेकिन आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जिनके पास बुक है और जिनके पास बुक नहीं है, तो वो लोग अपनी बुक का पीडीएफ लेकर के, मतलब आजकल तो इतने सारे स्कैनर अवेलेबल हैं कि वी कैन इजीली मेक पीडीएफ, और उसको हम शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, तो ये एक अच्छा काम कर दे, ताकि जिनके पास बुक नहीं है उनको ये मिल जाए शॉर्ट, मतलब सॉफ्ट कॉपी का मटेरियल, ताकि वो पढ़ सके और कॉलेज जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मेरे पास भी अभी दिलराज का कुछ टाइम पहले फोन आया था कि बुक इशू नहीं हो रही है, तो जिनको इशू हो गई है, मतलब मुझे लगता है कि 5 to 6 स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास बुक होगी गायकवाड़ की, या तो फिर जो स्टैंडर्ड्स बुक है जैसे कि मिलेमन हो गया या सेड्रा, तो ऑसिलेटर आपको गायकवाड़ में नहीं मिलेगा, ऑसिलेटर आपको मिलेगा इन स्टैंडर्ड बुक्स में। तो अगर और ऑसिलेटर एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, आरजीपीवी सिलेबस में नहीं, आपके आरजीपीवी के एग्जाम में नहीं, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पे आपके ऑसिलेटर के डिजाइनिंग वाले, जैसे गेट की बात करें, तो अगर टफर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ऑसिलेटर से, हालांकि अभी कुछ टाइम से ऑसिलेटर के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आगे पूछा नहीं जा सकता है, तो वहां पे ऑसिलेटर का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज जिनके पास भी बुक अवेलेबल है, वो उसके नोट्स बन, मतलब उसका पूरा का पूरा यूनिट वाइज बनाए, मतलब जरूरी है कि आप 100 पेजेस का बनाने बैठ जाएं, 15-20 पेजेस जो आपके सिलेबस में है, जो काम का है, उसका एक पीडीएफ बना करके उसको शेयर कर दे ग्रुप में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये अच्छा काम कर लें तो अच्छा होगा, जिनके पास नहीं है उन्हें मिल जाएगा, और मिलने के बाद भी अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर ए फाइव सीन के ग्रुप पे शेयर हो गया और उसके बाद भी आपका यही रोना है कि हमारे पास बुक नहीं है, तो ये आपका प्रॉब्लम है। और प्लीज जिनके पास है वो प्लीज शेयर कर दें बुक की सॉफ्ट कॉपी।
सो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया हुआ है, हमें दो ही चीजें निकालनी है जो अभी तक हमने सारे ऑसिलेटर में करी है, एक है बीटा एंड सेकेंड वन इज एवी इंटू बीटा से हमें कंडीशन निकालनी है, ठीक है, बीटा और एफ नॉट। तो बीटा की वैल्यू कैसे आती है, बीटा इज नथिंग बट वी एफ डिवाइडेड बाई वी नॉट, और यहाँ पे जो वी एफ है वही हमारा वी आई है, तो उससे जो वी एफ हमने निकाला है वो वी एफ की वैल्यू ऐसी कुछ आई है, दिख रहा है सभी को वी एफ, वी एफ हमने वोल्टेज डिवीजन करके लगाया है उस सर्किट में, वहां पे जो वोल्टेज डिवीजन है ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, दिस इज ये है आपका यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा कुछ, दिस इज जेड टू, ये जेड वन, जेड थ्री और यहां से, तो ये जो यहाँ वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि ये ग्राउंड है, ये आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, ये ऐसा ही लगने वाला है, एंड दिस इज वी नॉट, ये नेटवर्क। तो यहाँ पे हमने लगा दिया था वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन लगा करके जो बीटा निकल करके आया है वो है वी एफ डिवाइडेड बाई वी नॉट विच इज इक्वल टू जेड वन डिवाइडेड बाई सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जेड वन प्लस जेड थ्री, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यू को पुट करके, तो वहां से हमें जो कंडीशन मिल रही है बीटा की वो ये है कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो, हमने ए वी इंटू बीटा को मल्टीप्लाई किया है, उसमें रियल और इमेजिनरी को अलग किया है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा है इस पॉइंट पे, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सिर्फ रियल पार्ट प्रेजेंट है, सिर्फ रियल पार्ट प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी टर्म है उसको हम डायरेक्टली जीरो करके वी कैन डिराइव द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और वी कैन डिराइव द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट को जब हमने जीरो से इक्वेट किया तो जो वैल्यू मिल रही है हमें वो है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है, आवाज आ रही है या नहीं? यस मैम। हेलो, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमने निकाली थी ऑसिलेशन की कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जो कि जहां पे हमें कि मैग्नीट्यूड जो है दोनों गेन की एवी इंटू बीटा को ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन रखना है, तो वहां से हमें दो रिलेशन, ये जो रिलेशन मिला है इम्पिडेंसेस के बीच में वो है एक्स टू बाय एक्स वन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर में आते हैं दो ऑसिलेटर विच इज हार्टले एंड कॉलपिट। तो हार्टले एंड कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए मैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा निकाल लूं, व्हाइट बोर्ड में शेयर कर लें। ठीक है, अब बात आती है एलसी ऑसिलेटर की। एलसी ऑसिलेटर तो यहाँ पे जो दो टाइप के ऑसिलेटर हम पढ़ने वाले हैं, पहला है हार्टले, दिख रहा है सभी को? यस मैम। सेकेंड इज कॉलपिट्स, देन एक थर्ड भी है विच इज क्लैप ऑसिलेटर। तो हार्टले में हम कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं दो इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस। कॉलपिट नाम से आप लोग समझ सकते हैं, सी सी कॉलपिट ऑसिलेटर, यहाँ पे हम दो कैपेसिटेंसेस का कॉम्बिनेशन लेंगे और एक इंडक्टर। तो L1 एंड L2 ये हो जाएंगे और C आपका हो जाएगा अलग से, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से Z1 Z2 Z3 का कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली क्लैप जो है वो कॉलपिट्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, कॉलपिट्स का मॉडिफिकेशन है। तो अब हम लोग सर्किट देखते हैं, और इसके अलावा एलसी ऑसिलेटर में जो ये नेटवर्क हमने देखा है Z1 और Z2 और Z3 का, दिस इज योर Z2, ये ग्राउंड, ये है Z3, ये है Z1, दिस इज V0। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे हम L और C लगाते हैं, मतलब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हमारा ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है L और C। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इस सर्किट को हम बोलते हैं टैंक सर्किट। क्या सर्किट बोलते हैं बताइए? दिस इज योर टैंक सर्किट, ठीक है। अब ये टैंक सर्किट में
यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल रेजोनेंस. रेजोनेंस पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं? यस मैम. यस मैम. यस मैम. सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो बेटा एक बार रिवाइज करने की जरूरत है. पैरेलल रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है दोनों में ही, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमारे एनवायरनमेंट में सिग्नल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ये आप लोग कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़ेंगे, ओमेगा एन करके होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है. और दूसरी होती है हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जो हमारा सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी. तो जब दोनों इक्वल हो जाती हैं उस केस में जो भी हमारा सर्किट है वो सर्किट हमें ऑसिलेशंस देने लगता है. जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल पहले भी पढ़ा होगा 11 12th में अगर याद हो, कि जब भी मार्चिंग होती है, मतलब मिलिट्री वालों की जो परेड होती है, वो जब किसी ब्रिज के ऊपर से निकलते हैं तो उन लोग को ये बोल दिया जाता है कि वहां पे आप लोग परेड नहीं करेंगे, वहां पे आप लोग मार्चिंग नहीं करेंगे. पता है ये चीज पढ़ी है आपने, किसी ने पढ़ी है? एनीवन? क्यों ऐसा कहा जाता है, कोई तो बताइए भाई. आवाज आ रही है आप लोगों को? जो मिलिट्री वालों की परेड होती है अगर वो किसी ब्रिज के ऊपर से निकल रहे होते हैं, नॉर्मल भी परेड हो रही होती है और अगर किसी ब्रिज के ऊपर से निकल रहे होते हैं तो उनको ये बोल दिया जाता है कि ब्रिज पे वो परेड, मतलब एक नॉर्मल उस मोशन में नहीं जाएंगे जो कि परेड में जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि उस केस में अगर वो ऐसी मार्चिंग करते हैं ब्रिज के ऊपर तो ब्रिज के जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें भी मोशन आ जाएगा, ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे और ब्रिज के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ये किसी ने पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा 11 12th में, कहीं तो पढ़ा होगा जब साइंस पढ़ते थे हम लोग 10th 9th में. किसी ने नहीं पढ़ा? बताइए एनीवन, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सुना है? नो मैम. नहीं सुना? नहीं सुना मैम. नहीं सुना तो आप सुन लीजिए कि जो एक ऐसा मोशन है, मतलब कि हमें क्या मेंटेन करना, क्या इंश्योर करना है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं हो. क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो जाती है, और रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होने का मतलब ये होता है कि हमें वो सर्किट अब ऑसिलेशंस देने लगेगा. ऑसिलेशंस देने लगेगा मतलब ऑसिलेटर का काम तो फुलफिल हो गया. तो यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो एक कॉन्सेप्ट लगता है ये तो इक्वल हमें अचीव करना होता है. इसके लिए जो हमें यहाँ पे इक्वल करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली जो हमारे सर्किट में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, वो दो एनर्जी स्टोरिंग कौन कौन से एलिमेंट है? एक है आपका XL एंड दूसरा है XC. दोनों अगर XL इक्वल्स टू XC हो गया तो दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी और उससे हमें एक फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है एंड विच इज इक्वल्स टू 1/2πLC एंड दिस इज दैट फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें ऑसिलेशन मिलेंगी. समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम. ये कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? और देखो सीरीज और पैरेलल में सिर्फ ये डिफरेंस आ जाता है कि सीरीज कनेक्शन होता है एक में और एक में पैरेलल कनेक्शन. जहां पे सीरीज कनेक्शन होता है वहां पे हम इम्पीडेंसेस को लेते हैं, और जहां पे पैरेलल कनेक्शन होता है वहां पे हम ससेप्टेंस लेते हैं, या तो फिर क्या बोल सकते हैं उसको, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस. वहां पे हम कंडक्टेंस की कंडीशन को मैच कराते हैं. और अगर इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस का ऑपोजिट हो जाता है ससेप्टेंस. तो वहां पे हम XL XC ना करके वहां पे GL और GC होता है, और ये मैच कराते हैं.
सो सीरीज और पैरेलल से चेंज कुछ नहीं आता है, कंडीशन वही रहने वाली है कि दोनों के इम्पीडेंसेस को इक्वेट करना होता है. जब दोनों के इम्पीडेंसेस इक्वल हो जाते हैं उस केस में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे वो सर्किट ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने वाला होता है. तो ये जो अब हम लोग एलसी सर्किट पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे एल और सी का ही कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं. एंड दूसरा है एलसी ट्यून्ड ऑसिलेटर. एलसी ट्यून्ड ऑसिलेटर मतलब हमारा एक ना एक वेरिएबल जो एक ना एक एलिमेंट एल और सी में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा विच विल बी वेरिएबल और उसको हम इंटेंशनली वेरिएबल बनाते हैं. वेरिएबल बना करके हमें क्या मिलता है कि जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए तो हमें उस फ्रीक्वेंसी को सेट करना होगा. तो उसको हम सेट किससे करेंगे, उसके लिए हमें किसी ना किसी एलिमेंट को वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू को चेंज करके वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी. सो या तो एल वेरिएबल होगा इनमें से किसी एक में, हार्टली कॉलपिट क्लैप जो भी होंगे उनमें या तो एल वेरिएबल होगा या सी वेरिएबल होगा और इस तरीके से उस वेरिएबल एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करके वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. ये क्लियर है. और इसी वजह से ये जो तीन ऑसिलेटर्स आप पढ़ रहे हैं ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के होते हैं, बट इसके भी अलग डिसएडवांटेजेस होते हैं कि एल को वेरिएबल बनाना मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू को चेंज करना ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू कैपेसिटर टफ होता है. तो इसके सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे. ये समझ आया एलसी ऑसिलेटर. एलसी ऑसिलेटर में हम एल और सी का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं इसलिए इसको एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं. ये एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं एंड पैरेलल रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. ये दो ऑसिलेटर, ये दो क्लैप की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये दो मेन आपके एलसी ऑसिलेटर. क्लैप इसका मॉडिफिकेशन है तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है. ये दो ऑसिलेटर है यहाँ एल और सी का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं. दूसरा हम लोग पैरेलल रेजोनेंस पे वर्क कर रहे हैं, पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं. तीसरा यहाँ पे हमारा जो आउटपुट में लोड लगा हुआ है, जो लोड सर्किट लगा हुआ है वो लोड सर्किट जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है या लोड इम्पीडेंस ZL, ये लॉसेस जो भी होंगे सर्किट में, क्योंकि अगर L एंड C लगे हुए हैं और उसके अलावा आपका या तो BJT लगा होगा या FET, यहाँ पे हम OPAM यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज BJT और FET. BJT में हम कलेक्टर और बेस के बीच में ये सर्किट को लगाने वाले हैं. सिमिलरली FET में हम किसके किसके बीच में लगाएंगे आप लोग बताइए. अगर हम लोग BJT में कलेक्टर मतलब कॉमन एमिटर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं BJT में, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो आउटपुट हो जाएगा कलेक्टर टर्मिनल एंड जो इनपुट होगा वो इनपुट क्या हो जाएगा, बेस टर्मिनल. सिमिलरली FET के केस में क्या होगा आप लोग बताइए. गेट और ड्रेन के बीच में, गेट और ड्रेन के, ड्रेन, वेरी गुड. तो यहाँ पे जो हम वो वी नॉट लेंगे वो कहां से लेंगे, ड्रेन से, और जो इनपुट देंगे और वो होगा हमारा गेट. मतलब कि ये जो फीडबैक ये जो नेटवर्क है ये वाला नेटवर्क, दिस नेटवर्क इज गोइंग टू बी कनेक्टेड बिटवीन ड्रेन एंड गेट इन केस ऑफ BJT, बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, जो कि अभी हम लोग BJT के साथ पढ़ने वाले हैं. अभी जो हमने एक स्टैंडर्ड सर्किट देखा है शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक फॉरवर्ड पाथ होगा जहां पे कि एक एम्पलीफायर लगा होगा, देन एक फीडबैक पाथ होगा, उस फीडबैक पाथ में फीडबैक नेटवर्क लगा होगा. कॉम्बिनेशन तो यही होने वाला है. बट क्या करते थे, अभी हमने RC फेज शिफ्ट एंड वेन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ा, तो उन दोनों ऑसिलेटर में हमने जो फॉरवर्ड पाथ है उस फॉरवर्ड पाथ में हमने OPAMP को यूज किया है एज एन एम्पलीफायर. बट हियर इन केस ऑफ LC ऑसिलेटर हम यूज करने वाले हैं BJT को, कॉमन एमिटर BJT को एक एम्पलीफायर की तरह, क्योंकि कॉमन एमिटर BJT भी क्या होता है, एक एम्पलीफायर ही है जो कि आउटपुट को एम्पलीफाई करता है. एंड दिस इज ऑल्सो एन वोल्टेज एम्पलीफायर, ये ध्यान रखना है. करंट एम्पलीफायर की बात नहीं करें क्योंकि कॉमन एमिटर जो एम्पलीफायर है वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और कॉमन बेस जो है वो करंट को एम्पलीफाई करता है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ आ रहा है आप लोगों को? टैंक सर्किट क्यों कहते हैं? टैंक सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टैंक जो नॉर्मल टैंक होता है, पानी का टैंक है या किसी का भी टैंक है, वो टैंक का काम होता है स्टोर करके रखना. तो ये L एंड C ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनका काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना. आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा क्वालिटी फैक्टर, सुना है? यस मैम. क्वालिटी फैक्टर क्यू, क्यू जो होता है, क्यू क्या होता है ये? Yes,
स्टोर्ड डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ऐसा होता है ये रेशियो. एनर्जी स्टोर किसके क्रॉस होती है, या तो एल या सी, तो ये होता है या तो एक्सएल एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल. डिसिपेट किसके क्रॉस होता है बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, यस, जो कि एनर्जी को डिसिपेट, मतलब आपको पावर का कैलकुलेशन सिर्फ आर के क्रॉस मिलेगा. जो एक्टिव पावर होती है विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली डिसिपेटेड, वो पावर होती है आई स्क्वायर इनटू आर. आप एल और सी के क्रॉस पावर के डिसिपेशन को कैलकुलेट नहीं करते हैं, इवन दो वी कैलकुलेट, बट वो एक्टिव नहीं होती, वो पैसिव होती है. जो एक्चुअल पावर कैलकुलेट होती है वो आर के क्रॉस होती है. तो ये जो क्वालिटी फैक्टर हम निकालते हैं, वो क्वालिटी फैक्टर वही होता है कि एक्चुअली में हमारा सर्किट कितना एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. दिस शुड बी हाई फॉर एन एलसी सर्किट एंड स्टेबल आल्सो. स्टेबल मतलब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि ये चेंज होता रहे. क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्यू भी चेंज होगा. तो जो एलसी सर्किट है इसको ही हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं. टैंक इसलिए क्योंकि ये एल और सी जो एलिमेंट है ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, और इस वजह से ये इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन एक एनर्जी स्टोरिंग नेटवर्क बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टैंक सर्किट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. सभी को समझ आ रहा है या नहीं? कोई डाउट हो तो बीच में बताइए. तो अब यहाँ पे इस सर्किट में जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करी जाएगी किससे? बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी, सभी लोग ज्वाइन कर ले भाई, क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहते क्या? ये सर्किट सभी को दिख रहा है? यस मैम. ये है हार्टले ऑसिलेटर. अब ये नाम इसका हमने हार्टले कॉल्पिट एंड क्लैप क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे, ये जो नाम है साइंटिस्ट जो हार्टले रहे होंगे उन्होंने अपने नाम पे इस सर्किट ऑसिलेटर का नाम रख दिया. और सबसे जरूरी चीज, ऑसिलेटर का काम क्या होता है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करना, और वो सिग्नल किस शेप का होगा? ये जो हार्टले कॉल्पिट एंड क्लैप है ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को जनरेट करने वाले सर्किट्स होते हैं, इसलिए ये मोस्ट बेसिक सर्किट है. मोस्ट बेसिक मतलब सबसे ज्यादा बेसिक सिग्नल एंड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सिग्नल जो नेचर में है वो है साइनोसॉइडल. और इस साइनोसॉइडल सिग्नल को जनरेट करना और उसके बाद बाकी के सिग्नल्स को जनरेट करना इजी हो जाता है. मतलब फर्स्ट थिंग कि हम पहले इस शेप को जनरेट कर ले, फिर इस शेप को अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे से कट कर देंगे अगर आप देखें तो वो क्या बन जाएगा बताइए, बताइए मुझे थोड़ा शेप दे करके, कि अगर इसको आप लोगों ने ऐसे ऐसे कट कर दिया तो ये आपका स्क्वायर जैसा रिजेंबल करेगा. तो ये है आपका बेसिक सिग्नल का शेप जो कि हम जनरेट करते हैं यूजिंग दीज आरसी एलसी ऑसिलेटर्स. और एक बार ये जनरेट हो गए तो फिर उसके बाद दूसरे तरीके हैं जिससे कि हम स्क्वायर या ट्रायंगुलर वेव को बना सकते हैं. तो यहाँ पे आपको एक बीजेटी सर्किट दिख रहा है, बीजेटी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है. यहाँ पे एनपीएन सर्किट है, ये एरो डाउनवर्ड है. दिस इज कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज बेस टर्मिनल, दिस इज एमिटर. यही बीजेटी है जो ईडीसी में पढ़ते आए हैं और यही थ्रू आउट आपको मिलेगा. एनालॉग सर्किट्स के बाद जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट सब्जेक्ट मिलेगा मे बी वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, बट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करते ही आपको और सर्किट्स और ज्यादा ऊपर सर से जाने लगेंगे. सो बेटर कि आप अभी से थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ा के रखें. यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ वाला जो सर्किट है वो यही बीजेटी है. उसके बाद दो रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 लगे हुए हैं, ये जानबूझ के इंटेंशनली लगाए जाते हैं. अगर आपको याद हो पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने बाइसिंग पढ़ी है, पढ़िए बाइसिंग. यस मैम. आवाज आ रही है आप लोगों को? पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने बाइसिंग पढ़ी है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए बेटा, आज अपने को ये पूरा कवर करना है. इसलिए बाइसिंग में आपने दो तीन टाइप की बाइसिंग, वोल्टेज डिवीजन, फिक्स्ड बाइसिंग पढ़ी होगी, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग पढ़ी होगी, पढ़ी है? यस मैम. यस मैम. ठीक है, वहां पे जो काम किया था हमने वो क्या इंटेंशनली ये बाइसिंग करी गई है, वो इसलिए करी गई है कि ये जो VCC लगा हुआ है ऊपर,
ये जो VCC लगा हुआ है और यहाँ नीचे ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में दो रेजिस्टेंसेस को लगा देने से सीरीज में सबसे पहला जो काम होता है वो ये है कि ये जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो अब वोल्टेज आएगा बेस पे वो क्या होगा, वो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC into R2 by R1 plus R2। तो दिस इज द सिंपल वे टू डिवाइड द वोल्टेज, मतलब जो हमारा पावर सप्लाई है हमें पूरा का पूरा बेस में नहीं देना है, क्योंकि बेस में भी हमें कम सप्लाई, उसको सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करने की जरूरत होती है। तो इसलिए ये जो रेजिस्टेंसेस आप बहुत सारे सर्किट पे देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन R1 एंड R2 में भी रेशियो होता है कि R1 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू R2। क्यों? क्योंकि हमें जो करंट है वो मोस्ट ऑफ द करंट को हमें यहाँ से फ्लो कराना होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट शुड गो थ्रू दिस पाथ। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्यादा, और ये RC इसको तो आपको पता ही होना चाहिए कि कभी भी 1 kΩ या उससे ज्यादा नहीं होता है। क्यों? इसको इंटेंशनली हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर RC की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी जो लोड करंट है IL जो आपको आउटपुट में मिल रहा है वो कम हो जाएगा, और अगर IC ज्यादा चाहिए तो RC ऑटोमेटिकली कम होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो हमेशा और हर जगह अप्लाई होने वाले हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑसिलेटर के केस में, BJT मतलब ये कॉन्सेप्ट लगने ही वाला है, और ये चीजें आप लोग को ये अज्यूम अप किया जाएगा कि आपने EDC में पढ़ा हुआ है, और अगर अभी नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये तो हो गया जो BJT के सर्किट्स हो गए, R और सिर्फ BJT, उसके अलावा भी यहाँ पे हमें 3 कैपेसिटेंसेस दिख रहे हैं, विच इज CC2 CC1 एंड दिस इज CZ। CZ है ये, C2 नहीं है, ठीक है। RE तो एमिटर रेजिस्टेंस है, इसको लगाया गया है इंटेंशनली क्योंकि इसके थ्रू ही फीडबैक जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कैसे फीडबैक जाता है। यहाँ पे CZ एंड CC2 एंड CC1 है, तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि जब हम DC एनालिसिस कर रहे होते हैं, DC एनालिसिस, ठीक है, उस केस में ये तीनों कैपेसिटेंसेस क्या होंगे बताइए, उस केस में ये तीनों कैपेसिटेंसेस क्या होंगे, ओपन ओपन, यस वेरी गुड, ओपन सर्किटेड। तो जब डीसी एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे हम ये इंश्योर करते हैं कि क्या हमारा BJT एक्टिव रीजन में है या नहीं है, और अगर एक्टिव रीजन में है तो वो कितना कैपेसिटिव आउटपुट वोल्टेज हमें दे रहा है। एक बार डीसी एनालिसिस कर लिया, हमें पता चल गया कि इतनी IC करंट फ्लो हो रही है, इतनी IE करंट फ्लो हो रही है, एंड इतना हमें BC मिल रहा है, ये तीन फैक्टर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग AC सिग्नल। AC सिग्नल के लिए यहाँ पे हमने इनपुट में कुछ नहीं दिया है, बस क्या किया, सिंपली आउटपुट को उठाया, और आउटपुट ये हमारा V0 है, वही नेटवर्क अब आपको यहाँ पे लगाना है, कैसे फिट किया गया है देखिएगा, ये है आपका फीडबैक वाला आउटपुट, और ये जाकर के कनेक्ट हो गया है इनपुट में, कोई एक्सटर्नल इनपुट और नहीं लगाया गया है। ये हो गया L1 एंड L2 के दो कॉम्बिनेशन, बीच में है ग्राउंड, ये वाला है ग्राउंड, यहाँ पे ये जो ग्राउंड यहाँ पे लिख रहा है ये ग्राउंड है, एंड दिस इज योर C, ये है वेरिएबल कैपेसिटर जिसके अक्रॉस हम ले रहे हैं आउटपुट। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। अब इसके बाद अब देखते हैं कि हमें किस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इसको सर्किट को आप लोगों को अब जितने बार देखेंगे जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा है। यहाँ पे इस कैपेसिटर को वेरिएबल बनाया गया है, वेरिएबल इंटेंशनली बनाया गया है ताकि हम इस C की वैल्यू को चेंज करके क्या चेंज कर सके, F। इज इट क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे जो ट्यूनिंग होगी, मतलब ट्यूनिंग, ट्यून मतलब जैसे हम लोग FM सुनते हैं तो ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, तो वैसे ही कैपेसिटर की वैल्यू को जब हम ट्यून करेंगे देन फ्रीक्वेंसी भी ट्यून होगी। और एक्चुअली जो रेडियो पहले के होते थे ना वो ऐसी उनकी ट्यूनिंग होती थी, मतलब अब तो डिजिटल सिस्टम आ गया है तो हम सिंपली क्लिक कर देते हैं तो हमें वो मिल जाता है। तो अभी भी जो इनसाइड फंक्शन हो रहा है वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इनसाइड जो कैपेसिटर की वैल्यू है, बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं एंड वी स्विच टू दीज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटर, और जैसे ही हम कैपेसिटर की अलग अलग वैल्यू पे स्विच करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग हो जाती है।
अब आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो कि आप जब पहले के टाइम पे रेडियो स्टेशन होते थे और अब जो रेडियो स्टेशन की ट्यूनिंग है उसमें कुछ चेंज आ गया है. क्या चेंज आया है बताइए बताइए. किसी ने ऑब्जर्व किया है? ये तो भाई नॉर्मल, अगर रेडियो नहीं सुनते हो तो प्लीज सुनना स्टार्ट कीजिए, कुछ थोड़ा जागरूकता बढ़ेगी, इसलिए अवेयरनेस होनी चाहिए. बताइए मुझे कि पहले रेडियो स्टेशन की ट्यूनिंग और अब रेडियो स्टेशन की ट्यूनिंग में क्या डिफरेंस आ चुका है. एनीवन? कोई तो हो? किसी ने नहीं सुना? नहीं पूछूं क्या किसी से रैंडम? सुन भी रहे या नहीं? सत्यम मिश्रा ने तो ऑडियो ही नहीं ज्वाइन किया है, नाम के लिए बस प्रेजेंट हो गए हैं. कोई बताइए भाई, पहले के रेडियो स्टेशन और आपके रेडियो स्टेशन में क्या फर्क आ गया है? ये बीप बीप किसके बैकग्राउंड में बज रहा है? सपना म्यूट कर लीजिए बेटा. किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप ध्यान दीजिए. और पहले अगर किसी से पूछ भी सकते हो घर में तो जरूर पूछिए कि पहले के जो रेडियो स्टेशंस होते थे, मतलब ट्यूनिंग होती थी, और अब जो ट्यूनिंग हो रही है उसमें फर्क ही आ गया है. कि पहले जब हम ट्यून करते थे तो उसको 1-2 मिनट लग जाता था एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होने में, मतलब खरखराहट की आवाज जैसे कि अभी भी आती है, बैकग्राउंड नॉइस आता है. तो उस केस में भी पहले भी क्या होता था कि ये चीजें ज्यादा होती थी, जब हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते थे तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाता था हमें एक फ्रीक्वेंसी तक एडजस्ट करने में. लेकिन अब क्या हो गया है, सिंपली वी क्लिक एंड वो फ्रीक्वेंसी पे हमें ऑडियो सुनाई देने लगता है. ऐसा इसलिए हो पाया है कि अब जो फंक्शनिंग हो रही है सर्किट की वो ज्यादा एक्यूरेट हो रही है. क्यों ऐसा हो रहा है कि पहले भी कैपेसिटर की वैल्यू को ट्यून किया जाता था और अभी भी कैपेसिटर की वैल्यू को ट्यून किया जा रहा है, बट द डिफरेंस इज कि अब जो ट्यूनिंग है वो और ज्यादा फास्ट एंड शार्प हो गई है. अब हमारे सर्किट के जो क्यू फैक्टर है, अब जो हमारे सर्किट का क्यू फैक्टर होता है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्यू ज्यादा, मतलब हाई फिडिलिटी फिडिलिटी और सिग्नल की रिसेप्टिविटी वो बढ़ गई है. तो इट इज वेरी इजी टू कैच सिग्नल एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. और जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की एंड इट इज जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो तुरंत हमारा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्यून हो जाता है एंड हमें ऑडियो क्लियरली सुनाई देने लगता है, जबकि पहले के एक सर्किट में ऐसा नहीं था. और ये होगा ही डे बाय डे, जैसे ही इम्प्रूवमेंट बढ़ेंगे वैसे ही और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी. ठीक है, तो अब हमें डिराइव करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. समझ आया आप लोगों को या नहीं? कोई डाउट हो तो बताइए. यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, जो हमने सर्किट यूज किया है Z1, Z2 एंड Z3. This is Z2, ये L2, इसके अक्रॉस हम लेंगे आउटपुट. This is V0 and ground, इसके अक्रॉस आउटपुट लिया जाएगा. आउटपुट मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है हम उसको लेंगे, बट जो फीडबैक हमारा जा रहा है वो फीडबैक इसके थ्रू जा रहा है. दिस ये ग्राउंड और VF, इस नोड के बीच में L1 लगा हुआ है इसके अक्रॉस, एंड ये है V0 और VF के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है. तो इन दोनों का क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये हो जाएंगे पैरेलल में. ये समझ आया? Yes, ma'am. समझ आया आप लोगों को या नहीं? तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज को पुट किया, Z1, Z2 एंड Z3. Z1, Z2 एंड Z3 को पुट करके इसकी वैल्यूज को जब हम निकालेंगे तो X1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 इज नथिंग बट J ओमेगा L1, J ओमेगा L2 एंड Z3 क्या हो गया हमारा, -J/ωC. -J/ωC में X1 क्या हो जाएगा, ωL1, X2 हो गया ωL2 एंड X3 हो गया -1/ωC. यहाँ पे ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, आप ये देखिए ओमेगा तीनों ही इम्पेडेंसेस में सेम है, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के थोड़ी नहीं होंगे. इसलिए तो चेंज किस वैल्यू में है, L1, L2 एंड C में.
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं एक स्टैंडर्ड सर्किट लेकर के, तो हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 में जब हम ये तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें इस सर्किट के लिए हार्टले ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल करके आएगी एंड विच इज इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2πf0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 प्लस L2 इंटू सी एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर हार्टले ऑसिलेटर. और यहाँ पे L1 एंड L2 तो फिक्स है बट सी वेरिएबल है, तो अगर हमें F को चेंज करना है तो हम किसको चेंज करेंगे, सी को. क्लियर है? यस मैम. सेकेंड इज कंडीशन फॉर ऑसिलेशन. कंडीशन फॉर ऑसिलेशन भी हम डिराइव कर चुके हैं, मतलब हमें क्या करना है, हमें AV इंटू बीटा को ग्रेटर देन 1 इंश्योर करना है. तो इसको पुट करके हमें जो कंडीशन मिली थी वो क्या थी, AV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 बाय x1. तो यहाँ जो हमारा x2 टर्म है वो क्या है L2 एंड जो x1 टर्म है वो क्या है L1. तो इन दोनों का रेशियो क्या इंश्योर करेगा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन. इज इट क्लियर? समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. सभी को समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं कोई डाउट है? फिर उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का RF ऑसिलेटर है. RF ऑसिलेटर क्यों है, क्योंकि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करेंगे इस ऑसिलेटर को लेकर के, इसलिए ये RF ऑसिलेटर है. इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो क्या है, पैरेलल रेजोनेंस पे वर्क करेगा ये. और इसको टैप्ड इंडक्टर ऑसिलेटर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम टैप्ड इंडक्टर ऑसिलेटर. मतलब कि यहाँ पे दो इंडक्टर के बीच में एक कैपेसिटर होता है, इसलिए इसको टैप्ड इंडक्टर ऑसिलेटर भी बोलते हैं. ठीक है, एडवांटेज क्या है, इट इज कंपैरेटिवली इजी टू ट्यून कैपेसिटर देन इंडक्टर. तो यहाँ पे जो एडवांटेज हो जाएगा कि यहाँ ट्यूनिंग जो करी जा रही है वो होती है कैपेसिटिव ट्यूनिंग. आप लोग भी एक चीज देखिएगा कि जब मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं हम लोग, तो स्पेसिफिकेशन अगर थोड़ा सा भी आप लोग देखिए या तो फिर ऑनलाइन भी देखते होंगे तो उसमें भी देखिएगा कि बहुत जगह लिखा होता है कैपेसिटिव टच, रेजिस्टिव टच. देखा है किसी ने ऐसा लिखा हुआ? किसी भी नहीं देखा? कुछ नहीं करते क्या आप लोग, ना तो रेडियो सुनते हैं ना तो ऑनलाइन कोई चीजें करते, तो सब होंगे बस बोल नहीं रहे हैं कोई. एनीवन? यस मैम. यस मैम. देखा है कैपेसिटिव ट्यूनिंग, कैपेसिटिव टच, रेजिस्टिव टच. कुछ आजकल तो बहुत सारी चीजें टच स्क्रीन की आ गई है, आपके इलेक्ट्रॉनिक बैंड हो गए, स्मार्ट वॉचेस आ गई, तो सब में आप स्पेसिफिकेशन अगर थोड़ा सा देखे, क्योंकि देखना चाहिए इंजीनियर आप लोग. वॉइस नहीं आ रही. जो सर्किट है वो कैपेसिटिव है या तो फिर जो सर्किट लगा हुआ है वो इंडक्टिव. आवाज आ रही है सभी को? मैम वो वॉइस कट गई थी. ओके, अब बताइए. आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है अभी तो. आ रही है? ब्रेक हो रही है अभी. विजिबल है? यस मैम. यस मैम. यस मैम. तो आवाज आ रही है क्लियर कि ब्रेक हो रही है अभी भी? वॉइस नहीं हो रही. क्लियर है मैम. ठीक है, तो एडवांटेजेस जो है कैपेसिटिव ट्यूनिंग. नेक्स्ट इज नो वेयर एंड टियर प्रॉब्लम. वेयर एंड टियर जो प्रॉब्लम होता है ये प्रॉब्लम प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ इंडक्टिव ट्यूनिंग. जो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वहां पे इंडक्टिव ट्यूनिंग है, तो ये प्रॉब्लम इंडक्टिव ट्यूनिंग में आती है जब हम वेरिएबल इंडक्टर यूज करते हैं उस केस में. डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो इंडक्टर्स यूज हो रहे हैं तो जो हमारा सर्किट होगा वो बल्की हो जाएगा एंड डेफिनेटली एक्सपेंसिव भी हो जाएगा. इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जहां हम लोकल ऑसिलेटर यूज करते हैं फॉर रिसीवर. जब कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको रिसीवर मिलेगा, एक होता है ट्रांसमीटर दूसरा होता है रिसीवर. तो रिसीवर एंड में जब हमें सिग्नल को अपने मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना होता है उस केस में हमें एक
डुप्लीकेट रिसीवर सिग्नल को देना होता है, जो रिसीवर सिग्नल आ रहा है वैसा ही हमें रिसीवर सिग्नल खुद भी जनरेट करके देना होता है। तो वो जो रिसीवर सिग्नल होगा वो हम लोकल ऑसिलेटर से जनरेट करेंगे, और वो लोकल ऑसिलेटर होता है वो कुछ नहीं होता, आपका हार्टले कॉल्पिट या क्लैप ऑसिलेटर होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। नेक्स्ट इज कॉल्पिट्स ऑसिलेटर। जैसा कि हमने क्लैप पढ़ा है वैसा ही कॉल्पिट ऑसिलेटर है, सेम सर्किट है, बस चेंज कहाँ आ गया है, चेंज आ गया है सर्किट में यहाँ पे। वेरिएबल इंडक्टर। यहाँ पे हमने C1, C2 एंड L लगा लिया है। जैसे कि आपका Z1, Z2, Z3 का कॉम्बिनेशन तो सभी को पता ही है, जो हमने पहले ही सबसे पहले सर्किट पढ़ा था, उसी कॉम्बिनेशन में यहाँ भी तीन एलिमेंट्स लगे हुए हैं, बट यहाँ पे C1 एंड C2 दो लगे हुए हैं, और उसके बाद L है एक वेरिएबल इंडक्टर, और इस वेरिएबल इंडक्टर के अक्रॉस की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसको चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? दिख रहा है डायग्राम, विजिबल है सभी को? यस मैम। ठीक है, सेम सर्किट है, यहाँ पे भी CC1 CC2। हाँ, पिछले सर्किट में मैंने ये नहीं बताया था कि ये CC1 CC2 क्या होते हैं। इसको हम बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कपलिंग कैपेसिटर। अब कपलिंग कैपेसिटर कपल करना मतलब कि जब हम AC देंगे उस केस में ये शॉर्ट हो जाएगा। याद रखें, AC के केस में ये सब क्या हो जाएंगे? शॉर्ट। लेकिन DC के केस में ये सब क्या रहेंगे? ओपन। ओपन, ठीक है। तो DC जब हम दे रहे हैं उस केस में RE आपका प्रेजेंट होगा, लेकिन जब हम AC दे रहे होंगे उस केस में CE क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने C लिख दिया, इसको CZ भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज नॉट कपलिंग कैपेसिटर, इसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये सी है, ये होता है बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जब हमने DC सिग्नल दिया था उस केस में ये ओपन था, मतलब तब RE हमारे सर्किट में प्रेजेंट था, लेकिन जब हमने AC देना स्टार्ट किया उसके क्या हो गया? ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। कैपेसिटर शॉर्ट दैट मीन्स अब जो भी करंट आएगी वो करंट बताइए क्या RE से जाएगी या इस शॉर्ट सर्किट पाथ से जाएगी? शॉर्ट सर्किट पाथ से। दैट मीन्स अब RE हमारे सर्किट में प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो सर्किट होगा आफ्टर यू गिविंग दिस AC सिग्नल, हमारा सर्किट ऐसा हो जाएगा सिंपल। पहले हमारे सर्किट में RE प्रेजेंट था, लेकिन आफ्टर गिविंग AC सिग्नल RE प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसका इसकी वजह से क्या होता है, RE प्रेजेंट है और RE नहीं प्रेजेंट है, तो अगर RE हमारे सर्किट, RE मतलब जो एमीटर रेजिस्टेंस है, एमीटर रेजिस्टेंस अगर एमीटर में प्रेजेंट है तो इसके थ्रू नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट होगा, और अगर RE प्रेजेंट नहीं है तो फीडबैक प्रेजेंट नहीं होगा। इसकी वजह से जो इनपुट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमें पता है फीडबैक की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट RI क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाय 1+A β टाइम्स, और अगर फीडबैक प्रेजेंट नहीं है तो वही RI क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली गेन क्या होगा, गेन अगर फीडबैक प्रेजेंट है तो रिड्यूस होगा, लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट, हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑसिलेटर, हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, और एम्पलीफायर के केस में मतलब नेगेटिव फीडबैक, और अगर नेगेटिव फीडबैक लिया है तो वो नेगेटिव फीडबैक की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड गेन क्या होगा, 1+A β टाइम्स रिड्यूस होगा। तो अब ये आपको समझना है कि जब हमने DC सिप दिया था उस केस में ये एम्पलीफायर वर्क कर रहा था, और उस एम्पलीफायर में फीडबैक भी ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि RE इनसाइड दिस सर्किट लगा हुआ है, ये RE ही आपका फीडबैक की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब हमने AC देना स्टार्ट किया तो ये शॉर्ट हो गया। दैट मीन्स अब ये जो नेगेटिव फीड वाला फैक्टर था वो हमारे सर्किट से रिमूव हो गया है, और इसकी वजह से जो नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारे सर्किट का गेन रिड्यूस हो रहा था वो अब नहीं होगा, वो गेन इंक्रीज हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ये पॉइंट समझ आया?
यस मैम। ये जो मैंने बताया है ये ऑसिलेटर का पार्ट नहीं था बेटा, ये आपका फीडबैक का कॉन्सेप्ट है, जो कि फीडबैक में आपको अलग से ये सर्किट लेकर के नहीं बताया गया है, क्योंकि थोड़ा इन डिटेल में हो जाता है जब हम गेट के क्वेश्चन करते हैं, उस टाइम पे इन सारे कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। बट यहाँ पे आपको ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कैपेसिटेंसेस आपको हर सर्किट में मिलेंगे, हर जगह आपको CC1 CC2 एंड दिस CE और CZ लगा हुआ मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये CE एंड CC1 का काम क्या होता है। CC1 एंड CC2 तो सिंपली इनपुट एंड आउटपुट में लगे होते हैं, जिसका काम होता है कपल करना, मतलब इनपुट में जो भी दिया जा रहा है उसको आगे सर्किट में कपल करे और आउटपुट से जो भी लिया जा रहा है उसको नेक्स्ट सर्किट से कपल करने का काम होता है CC1 एंड CC2 का। एंड थर्ड इज CE या तो फिर CZ, जिसको कि हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर का काम होता है हमारे एमिटर रेजिस्टेंस को, जो एमिटर में रेजिस्टर लगा हुआ है उसको बाईपास करना, अगर उससे सर्किट से रिमूव करना है, क्योंकि इस पे गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अगर एमिटर सर्किट सेक्शन में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हमारे सर्किट में क्या चेंज आएगा, और अगर उस रेजिस्टेंस को हटा दिया तो क्या चेंज आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एमीटर्स में रेजिस्टर लगा हुआ है, दैट मींस हमारे सर्किट में फीडबैक प्रेजेंट हो रहा है, और अगर फीडबैक प्रेजेंट हो रहा है तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड गेन रिड्यूस होगा। और दूसरी चीज क्या है, और अगर ये रिमूव हो गया है बिकॉज ऑफ CE एंड CZ, तो फीडबैक हमारे सर्किट से रिमूव हो जाएगा और उसके अलावा उसकी वजह से गेन इंक्रीज होगा एंड इनपुट रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है मैम? एक बार और बताइए। फिर से समझिएगा कि तीन कैपेसिटेंसेस लगे हुए हैं, CC1 CC2 एंड CZ या तो फिर CE। तो CC1 एंड CC2 का काम तो कपल करने का होता है, इनपुट एंड आउटपुट सेक्शंस में जो भी आ रहा है उसको नेक्स्ट स्टेज में कपल करना, ठीक है, सिंपली कपलिंग का काम होता है। उसके बाद आता है CZ या तो फिर CE। CE जो है आपके एमीटर सेक्शन में लगा हुआ है, एमीटर रेजिस्टर के अक्रॉस। तो जब DC दे रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटर ओपन हो जाता है DC के लिए। मतलब जब हम सिंपल एक एक्टिव एम्पलीफायर, एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, उस केस में RE प्रेजेंट है सर्किट में और इस RE के अक्रॉस ही फीडबैक जा रहा है, और इस फीडबैक की वजह से ये हमारा जो सर्किट है, मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, वो हाई इनपुट रेजिस्टेंस को दे रहा है, क्योंकि फीडबैक की वजह से हमें पता है कि इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है एंड गेन जो है गेन मॉडरेट हो जाता है, मतलब गेन आपका रिड्यूस हो जाता है बाय फैक्टर 1+A β, मतलब सर्किट हमारा स्टेबल होता है अगर ये RE हमारे सर्किट में प्रेजेंट है तो। लेकिन जब हमने AC सिग्नल देना स्टार्ट किया, मतलब जब ये फीडबैक लग गया आपका, मतलब आउटपुट से इनपुट के बीच में आपने एक फीडबैक नेटवर्क लगा दिया है जो कि AC पर ही ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है LNC का नेटवर्क है तो वो सिर्फ AC पर ही ऑपरेट करेगा। तो अगर ये लग गया है तो सर्किट में CE जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब CE अब हो गया प्रेजेंट शॉर्ट सर्किट, और अगर CE शॉर्ट हो गया दैट मींस RE हमारे सर्किट से रिमूव हो गया, और अगर RE रिमूव हो गया तो वो जो फीडबैक इंटरनल प्रेजेंट हो रहा था वो रिमूव हो गया, उसकी वजह से गेन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाला फीडबैक जो था, जो उसकी वजह से गेन कम हो रहा था, वो इंक्रीज हो जाएगा और इनपुट रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर है सभी को? सभी लोग बताइए ध्यान से और उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अगर पढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली पूछा तो जाएगा ही। अब आते हैं ऑसिलेटर के फंक्शन में, कि ऑसिलेटर क्या काम करता है। तो ऑसिलेटर में वही हमें कंडीशन लगानी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए x1 x2 x3 = 0 करना है। यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू, जैसा कि सर्किट में हमें दिख रहा है, z1 क्या हो जाएगा -j/ωC1, z2 हो जाएगा -j/ωC2 एंड z3 हो जाएगा j/ωL। इन तीनों को पुट किया, 0 से इक्वेट किया, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल करके आ रही है वो हो जाएगी C1 C2/C1+C2 × L, मतलब एक का पैरेलल लिया है और दूसरे का सीरीज, ऐसा C1 × C2/C1+ इस कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल रहा है और उससे आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगी। क्लियर है? Yes, आवाज आ रही है सभी को? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन समझ आई?
यस मैम। फिर उसके बाद है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन में अगेन आपको वही कंडीशन लगानी है, x2 by x1। तो x2 है आपका 1 upon omega c2 by 1 upon omega c1 करेंगे तो ये रेशियो c1 by c2 का निकल करके आएगा। और ये रेशियो में वैल्यू को एडजस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड कंडीशन फॉर ऑसिलेशन को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है क्वालिटी फैक्टर क्यू। क्वालिटी फैक्टर जैसा कि अभी मैंने बताया था, पावर स्टोर एनर्जी स्टोर पर साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल होती है। तो यहाँ पे आपका ओमेगा एल बाय आर का कॉम्बिनेशन बनता है, या तो फिर ओमेगा सी बाय मतलब एक्स एल बाय आर, या तो फिर एक्स सी बाय आर का कॉम्बिनेशन बनता है। और अगर एक्स सी बाय आर में हम वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स सी की वैल्यू होती है वन अपन ओमेगा सी, और उससे क्यू फैक्टर की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी वन अपन ओमेगा आर सी। ये क्लियर है? यस मैम। और Q की वैल्यू आपको ज्यादा तब मिलेगी जब C की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पे C डिनोमिनेटर में है। तो और हमें Q को ज्यादा रखना होता है फॉर अ स्टेबल सर्किट, तो Q को ज्यादा रखने के लिए C की वैल्यू को हमें कम से कम रखना होता है। और इस सर्किट में हमें पता है कि अगर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू, देन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन इंडिविजुअल सी। ये C1 और C2 की जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी उससे कम ही आने वाली है ये वैल्यू, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली Q की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिंपल मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। कोई डाउट है किसी को? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वैसे ही हैं जैसा हमने पहले प्रीवियस केस में किया था। सिमिलरली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इंडक्टिव ट्यूनिंग है ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव ट्यूनिंग के केस में वियर एंड टियर का प्रॉब्लम प्रेजेंट होता है इस वजह से। ठीक है, अब अगर इंडक्टिव ट्यूनिंग है तो इंडक्टिव ट्यूनिंग को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो उसके लिए इसको मॉडिफाई किया गया और एक क्लैप ऑसिलेटर नाम से बनाया गया। तो कॉलपिट का मॉडिफिकेशन क्या हो गया, क्लैप ऑसिलेटर। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव ट्यूनिंग को हमें रिमूव करना है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडक्टर को वेरिएबल ना करके इंडक्टर के साथ सीरीज में एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा दिया जाता है। दिस दिख रहा है सभी को, ये एक C3 लगा दिया गया वेरिएबल सीरीज में, और ये जो इंडक्टर है इसको वेरिएबल ना करके इसको अक्रॉस इंडक्टिवली वी आर नाउ ऑब्टेनिंग द आउटपुट। क्लियर है सभी को? यस मैम। सर्किट दिख रहा है? ठीक है, तो अब इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल करके आती है ये बीच में कॉलपिट ऑसिलेटर का है, तो इसको नहीं करना है। ये जो पहले वाले सर्किट के लिए हमने निकाली थी ना, ये वही कंडीशन है, तो इसको नहीं करना है अपने को। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर क्लैप ऑसिलेटर होगी वो सिंपली हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी थ्री। सभी लोग को समझ आ रहा है? सभी लोग रिस्पॉन्ड दीजिए भाई। Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगी 1 upon 2 pi under root L C3, मतलब पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, L into C1 C2 by C1 plus C2, बट ये पूरी की पूरी टर्म अब क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है बाय दिस सिंगल कैपेसिटर C3। तो इस वजह से जो वियर एंड टियर की प्रॉब्लम इंडक्टिव ट्यूनिंग की वजह से आती थी वो रिमूव हो गई है इन केस ऑफ क्लैप ऑसिलेटर। और क्लैप ऑसिलेटर का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम सीरीज रेजोनेंस को यूज करते हैं। क्यों सीरीज रेजोनेंस? क्योंकि अब हमारे एल और सी सीरीज में प्रेजेंट हो गए हैं यहाँ पे, इस वजह से। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? यस मैम। इसके बाद है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर में सुना है वर्ड किसी ने, क्रिस्टल ऑसिलेटर?
ऋषि प्रताप सिंह प्लीज म्यूट, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है आपका। ऋषि प्रताप सिंह म्यूट कर लीजिए। तो इसके बाद है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम क्या होता है, इसके पहले भी आप लोगों ने हो सकता है कहीं पढ़ा हो, बट यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑसिलेटर और सबसे ज्यादा स्टेबल। स्टेबल मतलब जब भी बात आती है डिजिटल सर्किट में क्लॉक देने की। डिजिटल सर्किट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में, कोई ऐसा सर्किट पढ़ा जहां पे आप क्लॉक दे रहे थे? डीएससी में, डीएसडी में कोई ऐसा सर्किट पढ़ा जहां आप क्लॉक यूज कर रहे थे? बताइए मुझे। यस मैम। यस मैम। कौन सा सर्किट पढ़ा ऐसा जहां पे आप लोग क्लॉक यूज कर रहे थे, क्लॉक दे रहे होंगे किसी ना किसी सर्किट में? काउंटर्स पे। काउंटर में, यस वेरी गुड। और मैम फ्लिप फ्लॉप में भी दे रहा था। मैम फ्लिप फ्लॉप में, फ्लिप फ्लॉप में। और रजिस्टर में? यस मैम। रजिस्टर भी पढ़ा होगा ना? यस मैम रजिस्टर। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ पढ़ा है? और जहां पे आप क्लॉक दे रहे हो, ऑलमोस्ट ऑल दी सर्किट, जितने भी आपने सिक्वेंशियल सर्किट पढ़े होंगे कॉम्बिनेशनल को छोड़ करके, सब जगह आप क्लॉक यूज कर रहे थे, या तो एसिंक्रोनस क्लॉक या तो फिर सिंक्रोनस क्लॉक। और ये क्लॉक से ही सारा का सारा ऑपरेशन हो रहा था। इस क्लॉक को जो दिया जाता है वो नथिंग बट एक पल्सेस होती है फिक्स फ्रीक्वेंसी की और फिक्स एम्पलीट्यूड की, और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ऑपरेशन इस क्लॉक के ऑन एंड ऑफ पे डिपेंड करता है। या तो आपकी राइजिंग पल्स है या फॉलिंग पल्स है, ये डिटेक्ट करना होता है। हर काउंटर, हर फ्लिप फ्लॉप का अपना इंडिविजुअल वर्क होता है, डिपेंड करता है कि राइजिंग क्लॉक पे ऑपरेट करेगा या फॉलिंग क्लॉक पे। तो ये जो क्लॉक दी जाती है ये कुछ नहीं होती है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। तो अब आप, क्योंकि एप्लीकेशन आपको दिख रहा है कि अगर इसका यूज ही एक क्लॉक की तरह है तो इसको कैसा होना चाहिए? दिस शुड बी हाई स्टेबल। हाईली स्टेबल जिस फ्रीक्वेंसी की क्लॉक है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज किया जाता है डिजिटल सर्किट्स में। डिजिटल सर्किट जो कि पूरी की पूरी सर्किट सिर्फ क्लॉक पे ऑपरेट करती है। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट आएगा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, 8051 एंड 8085 माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ेंगे या तो सुना भी होगा। ये जो है ये भी ऑपरेट करते हैं किस पे, जो हमारा लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप है, उनके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है वो प्रोसेसर क्या है? बहुत पहले जो सबसे पहला प्रोसेसर बनाया गया था वो था 8085, और माइक्रो कंट्रोलर जो बनाए गए थे सबसे पहले वो था 8051। लेकिन वो जो माइक्रो कंट्रोल, आज की डेट में हम इंटेल i7 एंड i8 यूज कर रहे हैं, बट पहले तो वो 8085 एंड 8086 ही थे। आपको पढ़ना इन्हीं को है। तो ये जो बेस ऑपरेट करते हैं किस पे, जिस पर्टिकुलर क्लॉक पे, वो जो क्लॉक लगाई जाती है वो क्लॉक कुछ नहीं होती है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। और उस क्रिस्टल ऑसिलेटर में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक क्वार्ट्ज मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि इस मटेरियल पे जब हम कंप्रेस करते हैं, मतलब प्रेशर ऑपरेट करते हैं, इसको जब दबाया जाता है तो इसके दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है। समझ रहे हैं? इसकी दो प्लेट्स को जब कंप्रेस किया जाता है तो उनके बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है, और वो जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को अगर हम सर्किट फॉर्म में ले आए तो वो सर्किट कुछ ऐसा होता है। ये LCR एंड CP, एक तो सीरीज बन रहा है और दूसरा एक पैरेलल में कैपेसिटर। मतलब ये इस मटेरियल को, मतलब ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में होता क्या है कि जब इसके दो पैरेलल प्लेट्स को कंप्रेस किया जाता है तो उसके बीच में, उन दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज इंड्यूस होता है। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी इसका, रिवर्स भी है कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में वोल्टेज सप्लाई देंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा इसके शेप में। क्यों? क्योंकि इस पे या तो इसका उल्टा काम करेगा, या तो हम खुद ही इसको प्रेशर दें तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो, और या तो फिर
वोल्टेज दे तो इसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाए। समझ रहे हैं प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर आते हैं ये, क्वार्ट्ज मटेरियल है। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब कि इनकी दो पैरेलल प्लेट्स को जब भी इनको प्रेशर दिया जाएगा दो सरफेसेस के बीच में, तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिवाइड होंगे और वोल्टेज इंड्यूस होगा। इज इट क्लियर? और ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज अगर इंड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली अंदर कोई एलसीआर का सर्किट है जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो वो जो एलसीआर का सर्किट होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होता है जहां पे कि एल जो है उस क्रिस्टल के मास को बताता है, आर जो है विस्कस डैम्पिंग या तो फिर इंटरनल लॉसेस को बताता है, एंड सीएस मतलब सीरीज में प्रेजेंट हुआ कैपेसिटर, ये होता है स्टिफनेस या तो फिर इसको बोलते हैं 1/स्प्रिंग कांस्टेंट। ये थोड़ा सा मैकेनिकल टर्म है, मैकेनिकल में ये चीजें ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मटेरियल ले रहे हैं हम। मैकेनिकल वाले क्या करते हैं एक्चुअल, या तो गाड़ी का पार्ट या ऐसा कुछ मटेरियल से डील करते हैं और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से डील करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल को जब कंप्रेस किया जाता है तो जिस सरफेसेस में हमने कंप्रेशन दिया है उसके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि अब उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फॉर्म में अगर हम ड्रॉ करें, मतलब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएं, तो वो सर्किट कैसा होगा, एलसीआर सीरीज में प्रेजेंट होंगे और एक पैरेलल में कैपेसिटर प्रेजेंट होगा। ये हमारे लिए एलसीआर है, बट एक्चुअली इसका मैकेनिकल कन्वर्जन कैसा होता है, एल क्या है आपका इस क्रिस्टल का मास है, आर क्या है विस्कस डैम्पिंग या तो फिर इंटरनल लॉसेस है, आर मतलब पावर डिसिपेशन मतलब जो भी लॉसेस होंगे वो आर के अक्रॉस ही प्रेजेंट होंगे। देन सीएस क्या है, स्टिफनेस या तो फिर इनवर्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। सिमिलरली एक और टर्म प्रेजेंट होगी विच इज सीपी, एंड सीपी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द क्रिस्टल कैपेसिटर बिटवीन एनोड और कैथोड। मतलब एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो एक आपका एनोड होगा और एक कैथोड होगा, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस प्रेजेंट हो रहा है वो है आपका सीपी। तो क्योंकि सर्किट आपको दिख रहा है, सर्किट में एक तो एलसीआर का सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो रहा है और एक सिंपली सिर्फ एक पैरेलल कैपेसिटेंस, तो मतलब कि यहाँ पे दोनों रेजोनेंस लगेंगे, एक तो सीरीज रेजोनेंस भी लगेगा और दूसरा पैरेलल रेजोनेंस भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट है। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, समझ आ रहा है या नहीं मैम? समझ आ रहा है? यस बोलिए। मैम ये ट्रांस मैकेनिकल सिस्टम को कन्वर्ट किया है क्या? ट्रांस मैकेनिकल सिस्टम को कन्वर्ट नहीं किया बेटा, ये सिंपली आपका एक ऐसा मटेरियल है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब ये कैसे मटेरियल, ये ट्रांसड्यूसर्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछले बार, मैंने क्लास नहीं ली थी सो मैंने पढ़ाया नहीं था सो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि हाँ मैंने पढ़ाया था, आपको पता होगा। बट फोर्थ यूनिट ऑफ योर EMI was simply transducers. Transducers में आपको ये अलग अलग टाइप के मटेरियल ट्रांसड्यूसर पढ़े होंगे अगर आप लोगों ने पास होने के लिए पढ़ा होगा तो, वहां पे कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी इसको कंप्रेस करते हैं तो इसके दो अपोजिट सर्फेसेस के बीच में वोल्टेज इंड्यूस होता है और वोल्टेज इंड्यूस होने के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी फॉर्म हो रहा है और उस सर्किट में एलसीआर सीरीज में प्रेजेंट हो रहे हैं एंड कैपेसिटर पैरेलल में प्रेजेंट हो रहा है, जिसकी वजह से दो रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो रही है, एक तो आपका सीरीज रेजोनेंस है एंड दूसरा है पैरेलल रेजोनेंस। तो क्योंकि दो रेजोनेंस प्रेजेंट है डेफिनेटली दो फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगी, तो वो दो फ्रीक्वेंसीज कौन सी होगी, एक सीरीज फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1/2πLC एंड दूसरी है पैरेलल फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1/2πLCequivalent। और ये जो सी इक्विवेलेंट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटेंसेस का, C × C0/C+C0 या C0 या तो फिर CP भी बोल सकते हैं, ये ZP वाले में जो प्रेजेंट है दिस CP, ये आपका सीपी भी है या मैंने C0 लिखा है, उसको आप CP भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, एक है FS एक है FP। अब आप लोग बताइए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कौन सी फ्रीक्वेंसी कम होगी,
एफ एस ज्यादा या एफ पी ज्यादा बताइए। एफ टू ज्यादा। कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? एफ पी। यस, दिख ही रहा है सामने, मैंने लिखा ही हुआ है एफ पी ग्रेटर देन एफ एस। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट है, डिनोमिनेटर में जो कैपेसिटर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, सॉरी उसकी वैल्यू कम हो रही है। जब भी हमने C इक्विवेलेंट निकाला दैट मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, और इस वजह से यहाँ पे जो आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, जहां ही रेजोनेंस प्रेजेंट हुआ, सी जब भी आपका एल सी आर प्रेजेंट हो रहा है मतलब एल ओ सी प्रेजेंट हुआ सर्किट में, तो यू कैन अचीव रेजोनेंस। और अगर हमने रेजोनेंस अचीव कर लिया दैट मींस वी विल गेट दी ऑसिलेशन एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें ऑसिलेशन मिलेगी दैट मींस ऑसिलेटर हमारा ऑपरेट करेगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे है ये एफ एस एंड दिस इज एफ पी, एफ पी इज हायर देन एफ एस, तो आपको बाद में पहले रेजोनेंट की कंडीशन मिलेगी, पहले सीरीज रेजोनेंट की कंडीशन मिलेगी। और इसके अलावा भी यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा, और इसीलिए इसको हम एज अ पल्सेस यूज करते हैं, क्लॉक पल्सेस इन डिजिटल सर्किट्स। स्टेबिलिटी ज्यादा का मतलब है क्यू इज वेरी हाई, और क्यू बहुत ज्यादा क्यों? क्योंकि एक मटेरियल है, मटेरियल के अंदर हम अपने से कुछ लगा नहीं रहे, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। सो इसको हम इजिली चेंज, ये फिक्स फ्रिक्वेंसी का, इसको चेंज करना इज नॉट दैट ईजी। बस ये हम चेंज कैसे कर सकते हैं, या तो हम उस कंप्लीट क्रिस्टल के साइज को चेंज करें, मतलब या तो बहुत ज्यादा पतला कर दें, बहुत ज्यादा चौड़ा कर दें, जिसकी वजह से ये जो स्टिफनेस है वो चेंज होगी, और अगर थिकनेस बढ़ जाए आपसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो, ये बस वेरिएबल किया जा सकता है, बाकी फ्रीक्वेंसी पे उतना हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और इसीलिए ये फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर होते हैं। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके अलावा ये आपको थ्योरी वाला पार्ट दिख रहा है जो आप लोग खुद से पढ़ेंगे, जो कि आपको जब भी अभी अपना टेस्ट होगा जिसमें कि पूछा जाएगा, तो प्लीज ये पीडीएफ आपको आज शाम तक मिल जाएगा, अपलोडेड है, बस उसे पब्लिश करना है जिससे कि आप लोगों को मिल जाए। तो दिस कम्प्लीट्स योर ऑसिलेटर पार्ट, इसके बाद आता है आईसी पार्ट। अब ऑसिलेटर पार्ट में आप लोगों को कोई भी डाउट हो सो प्लीज आस्क। तो हम लोग अब नेक्स्ट आईसी पार्ट को स्टार्ट करें, विच इज नथिंग बट सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द आईसी, जिससे कि हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिए अपने ऑसिलेटर पार्ट को। कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई भी डाउट नहीं है? पूरा ऑसिलेटर पढ़ लिया कि सबने? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद जो अपनी क्लास लगेगी, हो सकता है कल नहीं लग पाए, अगर कल लगती है तो अच्छी बात है, उस क्लास में मैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाली हूँ, एंड जो डेरिवेशन दिया गया था आप लोगों को करने के लिए वो भी देखने वाली हूँ कि किसने किसने किया है। एंड हाँ, एक और जरूरी अनाउंसमेंट कि तीन चार बच्चे ऐसे हैं जो कि हर साल ही होते हैं, वो तीन चार बच्चे, तीन चार नहीं ज्यादा ही होते हैं, बट अभी सिर्फ तीन चार सामने आए हैं, जो कि एक दूसरे को कॉपी करके सिंपली मेरे को पीडीएफ सेंड कर देते हैं। सो ये मैं बहुत आसानी से समझ जाती हूँ कि किसने किसका कॉपी किया है, सॉरी किसने कॉपी किया है, किसका कॉपी किया ये मुझे नहीं पता, बट नंबर किसी के भी रैंडमली जा सकते हैं। सो आप लोग अगर शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों से जो आपने होमवर्क कर लिया है, एंड यू आर शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, एंड आपके फ्रेंड्स फिर मुझे वो सेंड कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, तो ये हो सकता है आपके दोस्त को आपके नंबर मिल जाए एंड यू विल गेट जीरो मार्क्स। सो सोच समझ करके शेयर करिए, क्योंकि आपका दोस्त वही मेरे को सेंड कर रहा है जो आपने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। सो मैं आपके दोस्त को मार्क्स दे दूं और आपको नहीं दूं,
और जिन्होंने भी ऐसा किया है वो समझ जाए मैं किसको बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 7 to 8 PDFs ही आए हैं और इन 7 to 8 PDFs में इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज कि हाँ किसका किसका डिटो कॉपी है, और स्पेशली इन केस ऑफ सॉफ्ट कॉपी तो ये और भी ज्यादा समझ में आ जाता है, हैंड रिटन होता तो राइटिंग अलग होती है। सो प्लीज ये काम मत करिए, खुद का करिए, और अगर नहीं बन रहा है जैसे बाकियों ने नहीं किया तो आप भी मत करिए, क्योंकि मेहनत एक की है और वो डिस्ट्रीब्यूट तीन में नहीं होगा, वो किसी को रैंडम मिल जाएगा भाई, जिसने भी करी है उसकी ग्रेडिंग नहीं होगी फिर। एंड इफ यू आर डूइंग योर असाइनमेंट तो ऑनेस्टली आप अपना असाइनमेंट शेयर करिए सिर्फ जिसको आपको सबमिट करना है, ना कि अपने दोस्तों से। हाँ हेल्प कर दीजिए आप, पर वो करे खुद से, ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही हो जाए, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, 3-4 बच्चे हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ये कौन है, मैं PDF शो कर सकती हूँ, फिर आप ही बताइएगा ये किसका कॉपी है किसका नहीं कॉपी है। सुन रहे हैं सभी लोग? सो अब हम लोग ICs पे बढ़ते हैं कि IC कैसे करना हमें करना है। नेक्स्ट PDF इंट्रोडक्शन टू ICs इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये पूरा आपका थ्योरी पार्ट है कि आईसी क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जो कि मैं आप लोगों को भी दे सकती हूँ कि आप कोई खुद से कर ले, बट सिंपल एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होती है आईसी। आईसी को डेफिनेशन अगर बोली जाए तो आप ही लोग बता सकते हैं मुझे कि क्या, अगर बोल दिया जाए डिफाइन करने के लिए तो हाउ विल यू डिफाइन द आईसी, बताइए। मैम ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स का इंटीग्रेशन होता है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे और सारे सर्किट्स का कॉम्बिनेशन। यस मैम, ठीक है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि आईसी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या बहुत बड़ा अचीव करते हैं, वो कुछ नहीं अचीव करते, वो बहुत छोटी सी आईसी डिजाइन करते हैं, बट वो बहुत छोटी सी आईसी बहुत बड़े बड़े काम करती है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट आईसी बनाई गई थी वो बनाई गई थी बाय जैक किल्बी, जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते थे इन 1957 में, और उन्होंने इस सर्किट को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इन 1958, ठीक है। आप लोगों को भी पता है कि 1948 में पहला ट्रांजिस्टर बना था, फर्स्ट BJT, एंड 1930 में पहला FET बना था। उसके बाद सिर्फ 10 साल लगे आईसी बनाने में, सो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से ग्रोथ हुई। और उसके बाद तो आईसी बनने के बाद तो फिर पूछे ही मत कि क्या क्या चेंज हुआ, मतलब कि क्या हुआ 1958 में, पहला आईसी बना जैक किल्बी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला इन 2000। सो आप ये देख सकते हैं कि अगर आज आप कोई इन्वेंशन करेंगे तो कितने सालों बाद आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, ये हमारा सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। सो 1958 में पहला आईसी बना, देन उसके बाद 1959 में किल्बी, जैक किल्बी के बाद रॉबर्ट नॉइस नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अगला आईसी बनाया, मतलब और ज्यादा सक्सेसफुल कह सकते हैं, पहला मोनोलिथिक आईसी बनाया, मोनोलिथिक। अब ये वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, आईसी भी 2-3 टाइप की होती हैं, पहला है मोनोलिथिक आईसी, दूसरा है मोनोलिथिक आईसी, हाइब्रिड आईसी। मोनोलिथिक आईसी मतलब कि सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक कॉमन सरफेस होगा, एक कॉमन फैब्रिक वो होगा आपका जिसपे इसको एक कॉमन सबस्ट्रेट है जिसको कि हम बोलते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जब हम एक सिटी डिजाइन, मतलब जैसे कोई बिल्डर है, बिल्डर क्या करेगा, बिल्डर के पास बहुत सारी लैंड है, तो उस लैंड पे वो एक पूरी की पूरी सिटी, जैसे कि शिल्पी ग्रीन हो गई और ऐसी बहुत सारी सिटीज अपने रीवा में भी हैं, जो कि क्या करते हैं, सिटी को प्लान करते हैं, तो उनके लिए उनके पास क्या है, सबसे पहले लैंड है। तो वैसे ही अगर आईसी बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, सबस्ट्रेट, और उस कॉमन सबस्ट्रेट पे सारे के सारे सर्किट को लगाया जाता है, ठीक है। तो
तो जैसे सिटी बनाई जाती है तो उसमें सब कुछ प्लान किया जाता है कि यहाँ से रोड निकलेगी, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये लाइन जाएगी, यहाँ पे घर होंगे इस लाइन में। उसी तरीके से जब आईसी बनाई जाती है तो जैसे एक सर्किट आप लोग देखते हैं कि जब हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें पावर सप्लाई होती है, ग्राउंड होती है, उसमें जो भी डिवाइस लगी होगी वो होगी, उसके अलावा पैसिव एलिमेंट्स भी होंगे जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, ठीक है, जैसे अभी हमने ऑसिलेटर देखा। तो ऐसा होता है कि हमेशा एक ही सर्किट नहीं लगा होता, एक ही एक ही ऑसिलेटर नहीं होगा। आईसी जब बनेगी तो उसमें बहुत सारे सर्किट्स एक कॉमन सबस्ट्रेट पे बने होते हैं, और ये जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है आपका सिलिकॉन सबस्ट्रेट, मतलब जर्मेनियम तो वी यूज बट ज्यादा 80% केसेस में आपके सिलिकॉन यूज किया जाता है। इस सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे, जिसको कि हम वेफर भी बोलते हैं, मतलब वेफर होते हैं जिसपे की बहुत सारी आईसीज बनी होती हैं। तो सबसे पहले होता है एक सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट पे बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं, और उन सर्किट्स को जब हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज करते हैं तो वो कहलाती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसी को ही हम बोलते हैं चिप। क्या बोलेंगे? जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है, चिप होता है, मेमोरी चिप होती है, चिप बोलते हैं, या माइक्रोचिप। और साइज वाइज ये आपके मिलीमीटर में होते हैं या उससे भी कम होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। तो जब भी आईसी का फैब्रिकेशन होता है तो आईसी का फैब्रिकेशन कभी अकेला नहीं होता, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी मिलीमीटर, मतलब एक मिलीमीटर साइज के सर्किट को अकेले नहीं बनाया जा सकता है। ये हमेशा बल्क में प्रोड्यूस करी जाती है। बल्क में आपकी बहुत सारी सिमिलर आईसीज होती है, और उन सिमिलर आईसीज को जब बल्क में बनाया जाता है तो वो एक वेफर पे बनती है, तो वो फिर कहलाता है जो कॉमन जो बेस होता है वो वेफर होता है। सबसे पहले सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट जिसपे की आईसी बनाई गई है, मतलब बहुत सारे सर्किट्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, या तो फिर चिप या तो फिर माइक्रोचिप। और ये बहुत सारे सर्किट्स में एक्टिव डिवाइसेस, मिलियंस ऑफ एक्टिव डिवाइसेस एंड पैसिव डिवाइसेस, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, सब फैब्रिकेट किए जाते हैं एक कॉमन सबस्ट्रेट पे, और उस कॉमन सबस्ट्रेट से जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को लिया जाता है वो कहलाती है आपकी कंप्लीट इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आपकी लीनियर आईसी भी हो सकती है, नॉन लीनियर आईसी भी होती हैं, बट ज्यादातर केसेस में जो आईसी से काम करवाते हैं हम वो लीनियर काम करवाते हैं। सो लीनियर आईसी जो है आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट करती है, बट जो डिजिटल आईसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करती है। जैसे कि प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर जब आप खरीदने जाते हैं, मतलब लैपटॉप जब आप खरीदने जाते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले ही फिक्स होती है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा। सो जो डिजिटल आईसीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल पे वर्क करती हैं, ना कि एक रेंज में वर्क करती हैं। ये डिफरेंस होता है डिजिटल आईसी एंड लीनियर आईसीज में। लीनियर आईसी मतलब दे विल ऑपरेट ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बट डिजिटल आईसीज विल ऑपरेट ओवर ओनली अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। सो डिजिटल आईसीज जैसे कि प्रोसेसर में जो आईसी काम होती है, मतलब कि कंप्यूटर में जो आईसीज आ रही हैं, सिमिलरली ऑसिलेटर ये काउंटर्स में एंड आगे भी जो सर्किट्स पढ़ेंगे आप लोग, मॉडेम हो गया, फ्रीक्वेंसी काउंटर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, इन सब में डिजिटल आईसीज लगती हैं। और ये जो डिजिटल आईसीज है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती हैं। सिमिलरली लीनियर आईसी जो कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करती हैं। एडवांटेजेस पूछे जाएंगे आईसीज के, तो आईसीज के एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो इनका साइज बहुत कम होता है, मतलब अभी आप एक सर्किट ड्रॉ करके पढ़ रहे हैं, बट वही सर्किट एक सेंटीमीटर के साइज में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड मिलियंस ऑफ रजिस्टर्स लगे हुए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि साइज कितना छोटा हो चुका है इन सर्किट्स का। मतलब आज की डेट में जो एक एफईटी फैब्रिकेट किया जा रहा है, एक एफईटी जो फैब्रिकेट किया जा रहा है उसका साइज है वो 7 नैनोमीटर से कम है। सो आप लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस 7 नैनोमीटर साइज के करोड़ों ट्रांजिस्टर सिर्फ एक सेंटीमीटर के एरिया में लगे होते हैं, और उसी से हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, विच इज लाइक आई एम टेकिंग क्लासेस एंड आप लोग क्लास ले रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सिंपल एक आईसी का ही काम है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। वाईफाई एंड एवरीथिंग जो भी चीजें आज की डेट में हम कर पा रहे हैं वो एक आईसी की वजह से, और आईसी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्किट्स। और उसी में दो टाइप्स हो जाएंगे, मोनोलिथिक एंड हाइब्रिड। मोनोलिथिक मतलब जब पूरे के पूरे सर्किट एक ही सबस्ट्रेट पर हैं तो वो हो जाएगी मोनोलिथिक, लेकिन अगर हमने क्या किया 2-3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ऐड किया हुआ है तो वो कहलाएगी हाइब्रिड।
मतलब क्या हुआ कि जिस सबस्ट्रेट पे हमने ऑसिलेटर बनाया है उसी सबस्ट्रेट पे वी कैन नॉट डिजाइन दी मल्टी वाइब्रेटर, तो हम क्या करेंगे मल्टी वाइब्रेटर के सबस्ट्रेट को ले आकर के उससे कनेक्ट करेंगे, सो ये क्या कहलाएगी हाइब्रिड आईसी। तो जब हमारे सर्किट्स एक कॉमन सबस्ट्रेट पे बने होते हैं तो वो मोनोलिथिक, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब मल्टीपल, तो मोनो मतलब पूरा के पूरे सर्किट्स एक ही सबस्ट्रेट पे बने हैं तो वो मोनोलिथिक आईसी, और अगर हमने मल्टीपल सबस्ट्रेट्स या अलग अलग सर्किट्स को अलग अलग जगह से लेकर के कंबाइन किया हुआ है तो वो हाइब्रिड आईसी कहलाएगी। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज की साइज बहुत छोटा होता है, साइज छोटे होने की वजह से अगला एडवांटेज क्या हो जाएगा कि इसका वेट भी बहुत ही कम होता है, सो वी कैन इजिली कैरी, मतलब आज के टाइम में तो ऐसी ऐसी चिप्स आ गई है कि इसलिए एमपीपीएससी देने जब जाते हैं लोग तो सब कुछ उतरवा दिया जाता है एक्सेप्ट जितने भी गैजेट्स हैं आपके मेटालिक चीजें हैं एंड एवरीथिंग, क्यों, क्योंकि एग्जाम में चीटिंग एंड सब कुछ बहुत ज्यादा होने लगी है बिकॉज ऑफ दीज आईसीज की हम इसको कहीं भी इजिली हाइड कर सकते हैं और उसका मिसयूज कर सकते हैं। और एडवांटेज क्या है कि ये पावर बहुत ही कम कंज्यूम करती है, हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई अभी सारे सर्किट में बट एक्चुअली जो पावर सप्लाई यूज करी जा रही है प्रैक्टिकली जो हम आईसी यूज कर रहे हैं उसमें लेस देन 1 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज करी जाती है, इसलिए आप लोग देखें कि जब हम लोग मोबाइल फोन एंड लैपटॉप ये सब कुछ यूज कर रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई वोल्टेज या करंट इसमें फ्लो हो रही है। इसी तरीके से डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस आप लोग खुद से पढ़ेंगे। और एक और चीज है आप लोगों के लिए टास्क है जो मैंने इंटेंशनली इस पीडीएफ में नहीं लिखा है, वो ये है कि आप लोगों को करना है सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख करके रखना है HW क्या है जनरेशन ऑफ आईसी, और ये सब लोग अपने अलग अलग मतलब जो बुक अवेलेबल है ऑन गूगल में भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज ऑथेंटिकेटेड साइट से NPTEL या जहां भी आपकी ऑथेंटिकेटेड साइट दिखे उससे करिए, किसी भी रैंडम साइट से मत कर लीजिए। जनरेशन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि आपको ये बताना है कि आईसी अगर जनरेट हुई है जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे हैं तो वो किस लेवल में हुई है, उसके 4 स्टेजेस हैं मतलब कि SSI MSI LSI एंड VLSI ये आप लोगों को करना है, ठीक है। जनरेशन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी दिस इज द होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, ये आप लोगों को लिख करके रखना है ठीक है एंड ओरली भी याद रखना है, सभी को क्लियर है आईसी yes, का जनरेशन yes, किस yes, किस स्टेप में हुआ है, ठीक है। सो इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी, अगेन 3 टाइप की आईसी, डिजिटल आईसी एनालॉग आईसी एंड मिक्स्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जहाँ पे की डिजिटल आईसी है एनालॉग आईसी है, जैसे अभी जो हमने पढ़ा है ऑसिलेटर और एम्पलीफायर इसकी जो आईसी है ये एनालॉग आईसी के अंदर आएगी, और जब हम लोग पढ़ रहे थे काउंटर एंड फ्लिप फ्लॉप जब आप तो वो डिजिटल आईसी सिमिलरली क्रैक हो रही है आपकी मिक्स्ड मैम वॉइस लैग हो रही मतलब जहाँ पे हम एसी और डीसी कॉम्बिनेशन मतलब अभी आ रही आवाज आज आ रही है बेटा यस मैम ठीक है सो तीन टाइप की आईसीज हैं एंड मिक्स्ड आईसी जो आपने एनालॉग टू डिजिटल आईसी पढ़ी है A to D कन्वर्टर पढ़ा होगा ना, ये जो आईसी होगी वो आपकी मिक्स्ड आईसी के अंदर आएगी। आवाज आ रही है सभी को, कोई डाउट है किसी को तो बताइए, अदरवाइज आई एम एंडिंग दिस क्लास, काफी देर से हम लोग क्लास ले रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। सो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम एनीवन हैविंग डाउट? यस यस बेटा, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होम, हाँ कैलकुलेशन बताना था आपको, बीटा कैसे आएगा उसका? आपने डिराइव कर लिया है? मैम नहीं बन रहा है एंड में। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको शेड्यूल करने वाली हूँ, ठीक है? वो जो बीटा डिराइव के मैंने नेटवर्क दिया था उसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ वो जो तीन न्यूमेरिकल दिए गए थे उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट यूनिट हो गई है, तो इसके जो भी आप लोगों को दिया गया था उसको थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, तब तो समझ में आएगा ना कि हाँ बना है या नहीं बना है। यस मैम। और किसी को कोई डाउट पूरे यूनिट में? देख लीजिए ऑन द रिजल्ट।